गोवा जैसा लग रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अनोखा पोस्ट चैनल में। दोस्तों ये जो जगह है इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये है मरीन ड्राइव, जो कि मुंबई के तर्ज पर पटना में गंगा के किनारे मरीन ड्राइव बन रहा है। अब यहाँ पर जो है कि मुंबई वाला ही एक प्लेस यहाँ पर खोल दिया गया है जिसे कि जुहू चौपाटी भी बोलते हैं। जी हाँ, तो ये है पटना का नया जुहू चौपाटी। वैसे आपने मुंबई में सुना होगा कि मरीन ड्राइव और जुहू चौपाटी, लेकिन अब वो दोनों चीजें आपको पटना में भी मिलेंगी। और ये जो मार्केट आप देख रहे हैं बहुत ही जबरदस्त, और यहाँ पर खाने पीने की वो तमाम चीजें जहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ हैंग आउट करने चले आते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज है और क्यों ये लोगों में इतना ज्यादा फेमस हुआ है कि यहाँ पर अचानक दो चार महीनों के अंदर इतना ज्यादा भीड़ लगने लगा और यहाँ पर खाने पीने की इतनी सारी कार्ट लगने लगी, और क्या क्या वेराइटीज हैं वो तमाम चीजें आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये जो प्लेस है ना, यहाँ पर फैमिली आती है और थोड़ा सा अच्छा सा वक्त बिताती है। मैम कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। ठंडा ठंडा हवा जो चलता है, कुछ बच्चा को लेके दोनों तो यहाँ पे कुछ लोग जो है वो नदी के किनारे खा पी रहे हैं। तो भैया एक चीज बताइए कि यहाँ पे नदी के किनारे खाना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जुहू चौपाटी वाला लोग कह रहे हैं कि मुंबई में मरीन ड्राइव बना उसके बाद जुहू चौपाटी, तो पटना में भी मरीन ड्राइव का काम शुरू हुआ और ये जो इस एरिया को लोग बोल रहे हैं कि मरीन ड्राइव और जुहू चौपाटी टाइप है, तो क्या वैसा फील आता है? ऐसा फील आ रहा है। तो मतलब जो है ना कि लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको बिल्कुल जुहू चौपाटी वाला सीन है। तो यहाँ पे जो है कि वो बिहारी स्टाइल में बिल्कुल भुट्टा भुना जा रहा है। तो चाची यहाँ पे डेली कितना बिक जाता होगा भुट्टा? 50 बिक जाता है। और भैया यहाँ पे पहले भी आए हैं या फिर पहली बार आए हैं? हमेशा आते जाते हैं। कैसा लगता है ये जगह? बहुत शांति मिलता है। बहुत शांति मिलता है, ये टाइम जो है बहुत अच्छा लगता है। स्वर्ग जगह है। आप कौन कौन सा, कितने कितने का ये कुल्फी बेच रहे हैं? 10 से 20 से 30। कौन सा ये कुल्फी है वैसे? फालूदा कुल्फी। आप क्या पी रहे हो अभी? और आप यहाँ पे अक्सर आते हैं या फिर कभी कभी? हम तो यहाँ अक्सर ही आते हैं। लोगों को यहाँ का गंगा पॉइंट जो है ना वो बहुत पसंद, बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। अभी वैसे यहाँ पर जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ेगी, लोग आएंगे, फैमिली आती रहती है यहाँ पे। तो हमने आपको जैसा बताया ना कि यहाँ पर फैमिली सबसे ज्यादा आ रही है, अब जो है कि फैमिली के लिए ये बहुत ही स्पेशल जगह हो चुका है। तो हमारे साथ यहाँ पर मैम है, और मैम आपको ये प्लेस कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा, देखिए बहुत ही अच्छा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पैक करना, पार्सल देना, बहुत हर चीज मिल रही है। हाँ, बच्चों के लिए। आप फर्स्ट टाइम पटना ही है? पटना से हैं आप? नहीं, मैं बाहर रहती हूँ। आप बाहर रहती हैं? हाँ। ये एरिया जो है ना इसे लोग अब चौपाटी कह रहे हैं। हाँ। जुहू चौपाटी। अच्छा। क्योंकि मुंबई में समुद्र के किनारे ऐसा एक एरिया है और यहाँ पे गंगा के किनारे ये एरिया है। गोवा जैसा लग रहा है। तो कुल मिलाकर जो है कि आपके ऊपर है कि जब आप इस प्लेस पर आएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ शायद पटना में ये बहुत बेस्ट पॉइंट बन चुका है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर एक चीज़ बताएं आपको, जिस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा डर होगा, तो ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि ये बहुत सेफ जगह है। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't know. लोग गर्मी का मौसम है तो घूमने के लिए आते हैं यहाँ। और सामने पॉइंट अच्छा है, बैठ के अपना व्यू देखते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं और उनका टाइम एक्सपेंड हो जाता है। Same way, gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry. आप हमेशा आते हैं यहाँ पे? मतलब कभी कभी वीकेंड पे एक दिन। अगर वीकेंड पे आते रहते हैं, जगह व्यू कैसा लगता है?
घाट है पहले जैसे कि ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे, लेकिन अब जो है थोड़ा बहुत डेवलप कर गया है, जस्ट लाइक मतलब छोटा मौर्य लॉक हो गया अपना, छोटा मौर्य लॉक। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये जो है कि मरीन ड्राइव के बाद ये जूहू चौपाटी हो रहा है, लुक शायद वैसा ही आ रहा है। तो ये जूहू चौपाटी लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ पे अब जो है कि लोगों का जमावड़ा हो रहा है, ये बहुत लंबे वक्त से नहीं, दो चार महीनों से ज्यादा भीड़ हो रहा है। हाँ, दो चार महीने। तो अब लोगों का भीड़ लग रहा है, फैमिली आ रही है यहाँ पे, मतलब एक पटना को एक नया जगह मिला हो, एक पॉइंट मिला हो शायद, क्योंकि फैमिली के लिए लोग मौर्य लोक ही जाते थे। हाँ, बिल्कुल। अब जो है कि पटना में अगर कहीं आना है तो लोग यहाँ पे बहुत अच्छा भीड़ लग रहा है। शाम के टाइम आगे देखा कि यहाँ पे कितना ट्रैफिक रहता है, शाम में बहुत ट्रैफिक रहता है। पहले तो बाइक वगैरह, अब तो कार वगैरह भी बहुत सारा आता है, बहुत सारे मतलब हर जगह से लोग अब पहुँचते हैं यहाँ पे, सिटी से भी लोग। क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना, वो गंगा का किनारा है, और उसके बाद जो है कि सब कुछ वो बड़ा अच्छा लगता है। I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? आप यहाँ से जितना आगे, मतलब जितना आगे जाएंगे ना, उतना ज्यादा मार्केट बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत छोटे से एरिया में है, जितना आगे आप जाएंगे उतना ज्यादा मार्केट बढ़ता चला जाएगा। Love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna... यहाँ पे अगर बताए ना तो आपको हर चीज मिलता है खाने में, आपको जो चाहिए, चिकन चाहिए हो, लिट्टी चाहिए हो, या फिर जो भी आपको मन करता हो कि आपको चाइनीज खाना है, इंडियन खाना है, और कुछ भी खाने पीने के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आके आप फैमिली के साथ इंजॉय करें, तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेस है पटना में। अगर हम इस प्लेस की बात करें, तो अगर आप गांधी मैदान की तरफ से आते हैं, तो आपको जो है कि सबसे पहले भद्र घाट मिलेगा, और भद्र घाट से आपको अंदर की तरफ आना है, ये महावीर घाट है, और महावीर घाट पे इतना बड़ा मार्केट लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ अपने इस वीडियो को करते हैं खत्म, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।